Hi, Twiz. Everybody say hi. Hi, Chairman. Yes. अंदर आ जाओ आप लोग थोड़ा सब लोग फिट नहीं हो रहे हैं जसवीत रोहित दोनों बैठ जाओ दो तीन नीचे आ जाइए थोड़ा अंदर आ जाओ ऑन नीज करेक्ट रिजॉल्वड यहां ओके चलो बोलो So you have to go now. I'll go. Kutsab, yes, sir. You're live on Facebook. Please. Start karo, Jai Hanuman. Jai Hanuman. Okay, first we'll just start with everybody introducing themselves. Jaipur Pink Panthers, best team in the world. So sab log khud khud ka naam bata do, chalo. Run, start. Run Singh. जोर से बोलो श्रीकांत बोलना अंदर श्रीकांत प्रवीण नरवाल जयपुर अमित नागर जसवीर सिंह समीर बाबू That's the Panthers. We're going to ask them a few questions now. Let's see how they do. Okay? Kuch sawal puchunga main aap logon se. Everybody comfortable? Yes, sir. Huh? Yes, sir. Kisse puche pehle? Jasveer. It's a weird. Chalo. Jasveer, our smiling assassin. Jasveer, sawal ye hai ki, how has pro kabaddi changed your life? माने प्रो कबड्डी लीग जो है वो आपके जीवन में क्या चेंज लाया है प्रो कबड्डी जैसे बहुत चेंज हो गया पहले कोई जानता नहीं था जैसे फर्स्ट सीजन में हम चैंपियन बने थे तो उससे जैसे फर्स्ट सीजन शुरू हुआ हमारा उससे पहले हमारे कोई नहीं जानता था प्रो कबड्डी से हम जैसे चैंपियन बने गाड़ी है नहीं पहले एशियन गेम खेल के आते थे इंडिया खेल के आते तो कोई एयरपोर्ट पे ऐसा नहीं था जैसे एयरपोर्ट पे आते हैं तो ये बोलते हैं कि भाई जयपुर पिंक पैंथर खिलाड़ी है जसवीर सिंह है कौन से एयरपोर्ट में से बोलते हैं कोई से भी एयरपोर्ट पे आए सर अभी कहीं भी आओ तो वेरी गुड राणा बोलो क्या सर हाउस प्रो कबड्डी चेंज योर लाइफ बहुत चेंजेस आए लाइफ में काफी नेम फेम बहुत मिला है और मैं मुंबई में रहता हूँ तो वहाँ पे हर गली हर नुक्कड़ में बंदे जानते हैं बंदे सिर्फ बंदे लोग जानते हैं सिर्फ बंदे जानते हैं आपकी जो बीवियां देख रही हैं वो सब जानते हैं हाँ ये हमारे रोहित राणा जी हैं इनका पेट नेम हम लोग ने रखा है बाजीराव इनकी बीवी का नाम है दीपिका करेक्ट आर यू गोना विन यस सर श्योर कोच साहब क्या कहेंगे पक्का जीतेंगे सर नहीं जय हनुमान जय हनुमान चलो अभी मैं टोनू से बात करता हूँ टोनू ये है राजेश नरवाल उर्फ टोनू इज बीन विद द जयपुर पिंक पैंथर्स सिंस द स्टार्ट एंड इज वन ऑफ आवर ओल्डेस्ट एंड मोस्ट लॉयल प्लेयर्स टोनू आप कबड्डी में कैसे आपने कबड्डी में शुरुआत कैसे ली कहाँ से शुरू किया कैसे शुरू किया कबड्डी में सर मैंने गांव से स्टार्टिंग की और हमारे गांव में काफ़ी कबड्डी का काफ़ी क्रेज है मैंने गांव से ही कबड्डी स्टार्ट की उसके बाद में स्टेट जोन और इंडिया कैंप्स और नेशनल फिर उसके बाद प्रो कबड्डी चैंपियन मैंने इसमें नेक्स्ट खुशी हुई नेक्स्ट टीम इंडिया वर्ल्ड कप करेक्ट या गुड वेरी गुड थैंक यू सर चलो वी लास्ट वन ऑफ आवर न्यू बॉयज किसको पकड़े किसको पकड़े किसको पकड़े चलो अमित जी नहीं 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 बोलो ऊपर देखो लाइव आपके ढेर सारे फैन अभी देख रहे हैं
मैं आपको सवाल पूछता हूं, अगर आप एक कबड्डी प्लेयर नहीं होते तो क्या बनना चाहते? मैं शुरू से कबड्डी को लाइक करता हूं, मैं कबड्डी खेलता हूं शुरू से, मैंने और कोई गेम चूज नहीं किया। नहीं, अगर कबड्डी प्लेयर नहीं होते तो क्या करते? क्रिकेट। तो यहाँ आपके एक फैन है पवन कसाना, हेलो भाई, बोल रहे हैं कि नाम रोशन कर दियो। जानते हो पवन को? आपके दोस्त हैं? यस। कहाँ से हैं? पास के, गांव के पास के। गांव के पास के हैं? अच्छा, तो आपको नमस्ते बोल रहे हैं। चलो अभी नेक्स्ट किससे पूछें, किसका नंबर आएगा? प्रवीण शर्मा रहा है दुल्हन की तरह। Who should we try? Who should we try? Who should we try? रणिया, सवाल ये है कि आपकी जितने भी मित्र और परिवार लोग हैं उन्हें कैसे लगता है कि आप एक कबड्डी प्लेयर हो? उन्हें बहुत अच्छा लगता है जी, मैं कबड्डी प्लेयर हूँ। जैसे पहले कम सपोर्ट मिलती थी लेकिन अब भी बहुत सपोर्ट करते हैं और सेवा भी बहुत करते हैं। और खाने पीने को अच्छा देते हैं। चलो वेरी गुड, वेट चेक में है ना? हाँ, लेट्स कम to one of my favorite kabaddi players, Shabir. Shabir, we've loved you since you played for U Mumbai. Thank you. Season 1 से आपके लिए बहुत ही respect रहा है जयपुर पिंक पैंथर्स में। Thank you, और आज बहुत खुशी है कि आप एक पैंथर हो और यही चाहेंगे कि टिल यू प्ले कबड्डी यू रिमेन अ पैंथर। हमारे पैंथर्स में कहना है कि हम लोग एक टीम नहीं है, हम लोग परिवार हैं, और भले आप खेले ना खेले हमेशा एक पैंथर ही रहोगे। थैंक यू सर। तो अभी काला मत पहनना, कलर पिंकी पहनना। सवाल आपसे ये है कि आपको कहां और कैसे पता चला कि आप जयपुर पिंक पैंथर्स में चुने गए थे? मुझे पता चला कि मेरा फ्रेंड रोहित राणा ने फोन किया था, उसने मुझे पहले इन्फॉर्म किया था, उसके बाद मेरे कोसाब ने मुझे फोन किया तो मुझे पता चला मैं पैंथर में सेलेक्ट हो गया करके। खुशी हुई? बहुत खुशी हुई क्योंकि बहुत लड़ाई की करके आपने लिया। हाँ, वो तो है, तो बहुत खुशी के बाद था क्योंकि बावजूद मेरा इंजरी के बाद भी आपने मुझे चुना दिया, बहुत अच्छा लगा। वेरी गुड, थैंक यू सर। यहाँ एक ऋषभ श्रीवास्तव है, वो बोल रहे हैं कि डोंट हैव टू मच फन, गो बैक एंड वर्क हार्ड टू विन। उनको बोलो तो हम डेली बहुत हार्ड वर्क। शब्बीर इज माई फेवरेट, ही इज रिटन। सो शब्बीर, थैंक यू सर। भरत सोडा जी भी हैं, सेइंग गुड टू सी शब्बीर बापू इन जयपुर पिंक पैंथर। गुड, किससे अभी पूछे, अभी किसका नंबर आएगा? किसका नंबर आएगा? भाव सर, दिस इज पंकज जी, ही इज आवर असिस्टेंट कोच एंड हेड एडमिनिस्ट्रेटर एंड एक्स कबड्डी प्लेयर, प्लेड फॉर टीम इंडिया एज वेल एंड इज अ लेजेंड इन द फील्ड। प्यार से मैंने भाव पुकारते हैं। भाव, हाउ डू यू सेलिब्रेट योर विक्ट्रीज? व्हेनेवर वी विन, वी सेलिब्रेट विक्ट्रीज बाय एंजॉयिंग योर सिटिंग एंड थिंकिंग अबाउट नेक्स्ट स्टेप्स व्हाट वी हैव टू डू, बिकॉज व्हेन वी हैव वन 2006 एशियन गेम्स, इट वाज माय ओनली टारगेट टू विन 2006 एशियन गेम्स। I never think forward about that. On that day, I started thinking about next what. क्योंकि वो दिन ऐसा था कि हम लोग बहुत ज्यादा खुश हो गए थे, अभी next क्या करना है, हमारे सामने कुछ नहीं था, मेरे सामने तो कुछ नहीं था। Then again we all 4-5 friends of mine sit at that night. Whole night we have lots of talk about what to do the next. So just like we have enjoyed. अच्छा, मैं इस वक्त बता दूं दैट दैट वाज अ वेरी बोरिंग आंसर फ्रॉम भाव। मुझे लगा बोलेंगे कि कहीं ढाबे में जाके खाना वाना खाया, ये डिस्कशन कर रहे थे कि अगला टूर्नामेंट कैसे जीते। भाव, जीरो पॉइंट्स। जयपुर पिंक पैंथर में जीतोगे तो आपको मालपुआ रबड़ी मिलता है, ये याद रखना। एंजॉयमेंट अलग बात है, लेकिन आपको नेक्स्ट क्या करना है वो भी आपका पास तैयार होना चाहिए। एंजॉयमेंट जस्ट आपने जो बोला एंजॉयमेंट वो तो हम लोग जैसे नॉर्मल टूर्नामेंट जीते तो नाइट में सभी प्लेयर्स, जो भी टीम में खेला हूं मैं,
जैसे ओएनजीसी रहा, एयर इंडिया रहा, या महाराष्ट्र पुलिस रहा, या फिर मेरा क्लब रहा, और अभी जयपुर पिंक पैंथर्स है, तो नाइट्स जो भी था कि टीम विन हो गया रहा, तो नाइट में एक बार सब डिनर साथ में करेंगे और साथ में सुबह ब्रेकफास्ट होगा, लेकिन नाइट 100% डिनर सीधे ब्रेकफास्ट नहीं पता नहीं क्या बोल रहे हो, ब्रेकफास्ट तक भी होता है कभी कभी। अच्छा अभी समझ में आया, वेरी गुड 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 आंसर भाव, वी आर हैप्पी विद द आंसर। चलो अभी किसी और को पकड़ते हैं, किसको पकड़े हैं, किसको पकड़े हैं, हुड्डा जी आ जाओ सामने। आपसे सवाल ये है कि ऑफ सीजन में ट्रेनिंग कैसे करते हो आप, माने जब सीजन नहीं होता है तो ट्रेनिंग कैसे करते हो? गांव कहाँ है आपका? गांव रोहतक के पास है। ओह वेरी गुड। जय हनुमान करेक्ट। चलो लेट्स कैच समबडी एल्स नाउ, अभी और किसको पकड़े हैं, मुझे लगता है तो सबसे ज्यादा शर्मा रहे उन्हें पकड़ना चाहिए। आ जाओ सामने महिपाल। सवाल ये है कि आपको क्या लगता है कि इस खेल के बारे में सबसे बेस्ट चीज क्या है, कबड्डी के बारे में जो आपको पसंद है सबसे ज्यादा? कबड्डी पसंद है सर। नहीं उसके बारे में क्या पसंद है, प्रो कबड्डी लीग में क्या पसंद है आपको सबसे ज्यादा? तो आपको ऑटोग्राफ साइन करना अच्छा लगता है? जय हनुमान। ये जयपुर पिंक पैंथर्स की खासियत है, जब हम लोग फंस जाते हैं और पता नहीं आता कि क्या बोले, सीधे कोच साहब की तरह जय हनुमान। वेरी गुड। चलो अभी किससे पूछे हैं? अरे ये तो अपना बच्चा है अभी, दीज आर ऑल आर यूथ प्लेयर्स। चलो तुषार सवाल ये कि अगर आप गेम हार जाओ तो अपने आप को मोटिवेट करने के लिए क्या करते हैं आप उसके बाद? खेल में तो हार जीत होती रहती है। जयपुर पिंक पैंथर्स में हम लोग हारते नहीं है बाय द वे। हाँ तो जयपुर पिंक पैंथर्स में सिर्फ जीत होती है, हार नहीं होती है। हाँ बोलो। खेल में तो हार जीत होती है कभी कभी। खेल में हार नहीं होती है जयपुर पैंथर्स में, हम लोग सिर्फ जीतते हैं। हम सबसे जीते हैं। तो फिर सवाल का जवाब कैसे दोगे तुम? तो ऐसे तो अपने आप को हार्ड वर्क और भी करना चाहिए कि अपनी टीम में क्या कमजोरी है, क्या क्या पता लग, उसे पता लगती है, और इस तरह से आगे बढ़कर अपने को हार्ड वर्क करके जीतना चाहिए और हम जीतेंगे। जय हनुमान। चलो गुड, अभी कुछ मजेदार क्वेश्चंस लेंगे। दैट्स कैरी आवर फोटोग्राफर एंड निखिल पब्बी हू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द टेरिबल वीडियोस एंड ऑल दैट यू सी, ही इज द वन रिस्पॉन्सिबल, ही लिव्स स्लीप्स विद दिस कैमरा, ही जस्ट हैज टू बेथ विद इट, दैट्स इट। सो दैट्स निखिल पब्बी एंड कैरी मॉन्टीन। से हाय गाइस। हाय गाइस। ऑलराइट एंड चलो कौन बचा है, कौन बचा? प्रवीण तो सो गया है ऐसे लग रहा है। चलो प्रवीण जयपुर पिंक पैंथर्स के बारे में कुछ खास क्या है आप बताइए, और ये कौन है और आपके पीछे कौन खड़े हैं, ये कौन है? हाँ सोच लो मुझे बोलना है कि उसको बोलना है करके। कौन है ये रवि, बोलो कौन है ये? माय ब्रदर।
Your brother? Ye dekhiye, there are two brothers in the same team. Dono, Santa Banta, hamare. This is Parveen. He's Rajesh's younger brother, and we're very happy to welcome him to the Jaipur Pink Panther family. Parveen, ye bataiye ki hamare pure team mein sabse best dancer kaun hai? Abhi, breaking news for all our Facebook fans. Amit hamare liye nachenge. Chalo, Amit best dancer hai. Rana. Yes sir. बोलो अपने टीम में बेस्ट सिंगर कौन है बेस्ट सिंगर पंजाबी हिंदी जो भी पंजाबी सिंगर तो रणवीर सिंह अच्छा लगता है पंजाबी सिंगर और रागिनी टोनू गा लेता है रागिनी आया अच्छी वो रणवीर सिंह हो गया राजेश गा लेता है और गोसाब हनुमान चालीसा अच्छी पढ़ते हैं रणिया सिंह पंजाबी ਉਤ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਸੋਹਣੀਏ ਨੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮਰਦਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮਰਦਾ ਉਹ ਤਕਲਾ ਮੁੰਡਿਆ ਬਾਟੀ ਬਸ ਇਤਨਾ ਹੀ ਮਾਨੇ ਯੋ ਯੋ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਕੋ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਏ ਮੈਨੂੰ ਉਨਕਾ ਕਾਮ ਦੁਰੁਸਤ ਹੈ ਬਾਪੂ ਗੱਡੀ ਉਹ ਲੈਣੀ ਜਿਹਦੇ ਚਾਰ ਚੁੰਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਰਾਣਾ ਇਹ ਬਤਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਮੇ ਵਰਸਟ ਸਿੰਗਰ ਕੌਣ ਹੈ ਸ਼ਬੀਰ ਮੈਂ ਮੁੱਠ ਮਾਈ ਰੂਮ ਪਾਰਟਨਰ ਕਦੇ ਗਾਤਾ ਵਰਸਟ ਸਿੰਗਰ ਗਾਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾਓ ਨਾ ਸੁਣ ਨਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਕੋ ਟੈਗ ਕਰਨੇ ਦੋ ਬੈਸਟ ਕੌਣ ਹੈ ਵਰਸਟ ਕੌਣ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਤਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆਤਾ ਕਿਆ ਕੌਣ ਸਾ ਗਾਣਾ ਆਤਾ ਹੈ ਮਲਿਆਲੀ ਮੇਂ ਨਹੀਂ ਆਤਾ ਹਾਂ ਮਲਿਆਲੀ ਮੇਂ ਨਹੀਂ ਆਤਾ ਬੱਲੂ ਬਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਆਤਾ ਹੈ ਕੁਝ ਕੋ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਵੈਰੀ ਬੈਡ ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਨਹੀਂ ਗਾਣੇ ਕੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਨੇ ਵਾਲਾ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਮੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਕਾ ਰੋਮੀਓ ਕੌਣ ਹੈ राणा रोहित ये है रोहित राणा हमारे टीम के रोमियो दीपिका सुन रहे हो कि नहीं दीपिका को फोन लगाओ कोच साहब हमारी टीम के रोमियो कौन है यही है चलो ओके अभी देखते हैं कोच साहब रनिंग में सबसे फास्टेस्ट कौन है सभी फास्टर सभी बेस्ट है सो वी हैव गिवन कोच साहब अ पेट नेम ही इज कॉल्ड कैप्टन बेस्ट बिकॉज एवरीथिंग सर बेस्ट है सब बेस्ट है कोच साहब कौन है सभी अच्छे हैं सर सब बेस्ट है सब बेस्ट है वेरी गुड भाव अभी आप टेल मी द ट्रूथ हु इज द फास्टेस्ट रनर द न्यू गाइज वेलकमिंग अस टू स्क्वाड न्यू गाइज लाइक अमित तुषार परवेश एंड फ्रॉम द ओल्डन वर्स रनिया एंड मे बी शब्बीर इज अ गुड रनर नॉट गुड हु इज द फास्टेस्ट शब्बीर इज द फास्टेस्ट शब्बीर इज द फास्टेस्ट क्योंकि गाना नहीं गाते ना इसलिए थोड़ा बहुत दौड़ लेते हो वेरी गुड ये जो अगला सवाल है प्रवेश से पूछते हैं मुझे जवाब तो पता है सबसे ज्यादा लेट कौन आता है प्रैक्टिस के लिए मैं बताऊं सबसे लेट कौन आता है प्रैक्टिस के लिए हाँ अभी कोई लेट नहीं है सबसे पहले कहाँ सोने के लिए इस बार सबसे पहले वो आता है लास्ट रनिया रहता है और टोनू रहता है एक अपना कॉफी का ग्लास लेके टोनू स्टार बन गया यार बाकी तो सब ठीक ठाक है कभी कभी स्टार्टिंग में था एक दो बार लेकिन अभी तो लास्ट ऐसा नहीं है टोनू के बारे में मैं बुरा नहीं सुन सकता हूँ टोनू के बारे में बुरा टोनू फेवरेट एक्टर कौन है
अभिषेक और एक्ट्रेस हमारा सूर्य राय वेरी गुड सबसे बेस्ट जय हनुमान वेरी गुड अच्छा चलो अभी लास्ट क्वेश्चन